नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर वीडियो पर। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आज के इस वीडियो में हमारा जो अपडेट निकल गया था वो था हमारा आईफोन 12 जो हमारा 2020 के लिए आने वाला है उसके बारे में। तो देखिए आईफोन 12 की अगर मैं बात बताऊं तो लॉन्च आपका जल्दी होने वाला है, मतलब कि आने वाले 2 से 3 महीनों में आपको डिवाइसेस देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको इसमें इस बार आईफोन 12 की सीरीज़ में कितने मॉडल देखने को मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहला मॉडल होगा आपका आईफोन 12 का एक बेस वेरिएंट, एक होगा आईफोन 12 का मैक्स वाला वेरिएंट, एक होगा आपका तीसरा आईफोन 12 प्रो और एक होगा चौथा लास्ट में आईफोन 12 प्रो मैक्स वाला वेरिएंट। अब एक एक करके अगर मैं बात बताऊं इन चारों डिवाइसेस के, लेकिन उसके पहले तो देखिए जो बेसिक स्पेसिफिकेशन होते हैं ना, मतलब कि इसमें जैसे लास्ट ईयर आपको बायोनिक चिपसेट इनका जो होता है खुद का चिपसेट A13 वाला देखने को मिला था, तो ऑब्वियस ही बात है कि पूरी की पूरी नई सीरीज में नेक्स्ट ईयर अपकमिंग ईयर आपको एक नया वाला चिपसेट या फिर प्रोसेसर मतलब कि इस साल A14 देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा नई और एक क्रिएटिव चीज़ है जो कि आपको देखने को मिल रही है वो आप इसके बैक पैनल पे देख सकते हैं। ये जो इमेजेस फ्लैश हो रही हैं उसके थ्रू की कैमरा के साथ में आपको एक छोटा सा डिस्प्ले देखने को मिल रहा है बैक पैनल पे, कैमरा वाले पैनल के साथ में, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ा देगा अगर ऐसा कैमरा वाला डिज़ाइन आता है आपका मार्केट में उतर के। अब देखिए इसके बाद में भी अगर हम बात करते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं आईफोन 12 का जो आपका बेस वाला वेरिएंट होने वाला, तो इसके प्राइस की अगर मैं बात बताऊं तो ये आपका 40 से 50 हज़ार की रेंज में रहने वाला है, 4 GB रैम के साथ में और अलग अलग स्टोरेज वेरियंट के साथ में। और इसमें आपको सेम एप्पल की तरफ से उनका जो A14 बायोनिक वाला चिपसेट है वो देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं आईफोन 12 मैक्स वाले मॉडल की। तो देखिए मैक्स वाले मॉडल में जैसा कि नाम भी जस्टिफाई कर रहा है, तो थोड़ी सी स्क्रीन साइज में अपग्रेड होगा, थोड़ा सा आपका प्राइस में अपग्रेड होगा, मतलब कि 50 से 60 हज़ार रुपये के बीच में, 55 से 60 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। और A14 वाला चिपसेट और 4 GB रैम का ही मॉडल रहेगा। अब लास्ट में आपके बचते हैं प्रो वाले मॉडल। अब देखिए प्रो वाले मॉडल की बात बताऊं तो देखिए प्रो में है एक आपका आईफोन 12 प्रो और एक है आपका प्रो मैक्स। तो देखिए स्क्रीन साइजेस की बात बताऊं तो देखिए 12 प्रो में आपको जहां तक है एक 6.1 इंचेस की और इसमें आपको एक 6.7 इंचेस की मैक्स प्रो वाले में देखने को मिलेगी। चिपसेट आपके सेम ही A14 बायोनिक वाले देखने को मिलेंगे और 6 GB रैम के आपके ऑप्शंस क्या रहेंगे, मतलब कि खाली ही 6 GB और 4 GB के मॉडल रहेंगे, 4 GB वाले आपके 12 और 12 मैक्स में और प्रो में 6 GB के अलग अलग स्टोरेज वेरिएंट 128, 256 और 512 GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ में। तो देखिए यही था आपका छोटा सा अपडेट, लेकिन इसमें जो मेन और सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग वाली बात है ना, देखो इनकी जो रैम होती है ना, बेसिकली जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ रहती है वो ये है कि आपके आईफोन के जितने भी मॉडल आते हैं तो अगर आप इन्हें ऑन पेपर कंपेयर करोगे किसी एक फ्लैगशिप वाले एंड्रॉयड डिवाइस के साथ में भी ना, तो उसकी 12 GB रैम इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं शायद परफॉर्म कर पाए जितनी इनकी बेसिक 6 GB रैम वाली कर जाएगी। अब बेसिकली ऑन पेपर तो अगर आप कंपेयर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 6 GB रैम आपकी कम ही रहेगी एज कम्पेयर टू 12 GB रैम या फिर 8 GB रैम, बट स्टिल आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हो कि एप्पल की आपको 450 MB वाले डिवाइसेस जो आते थे ना, वो भी आपके 2 GB रैम वाले एंड्रॉयड डिवाइसेस से काफ़ी ज़्यादा बेटर थे। सो दैट्स इट, व्हेन द ऑफिशियल लॉन्च विल बी देयर वी विल डेफिनेटली लेट यू नो। टिल देन यू कैन द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन थैंक्स।